हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और मेरा हालत थोड़ी ढीली है। अगर आप सब ने मेरा भुवनेश्वर डे वन ब्लॉग्स नहीं देखा तो मैं ऊपर के कार्ड में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा। इस वीडियो के बाद आप लोग उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज के डे टू के ब्लॉग्स को। मैंने पिछले वीडियो डे वन में कहा था तो मैं फुटपाथ में सोने का एक्सपीरियंस बताऊंगा। तो मैं लगभग 3 PM को सो गया था, ठंड बहुत कम लग रहा था, बट रात के 2 बजे के बाद ऐसा भयानक ठंड था कि मत पूछो यार, सब कुछ फट गया। और आज हमारा डे टू जो रैली का है, डे टू है आज। तो हम लोग आ गए सुबह सुबह शौचालय में, शौचालय से फ्रेश होकर जाएंगे, फिर थोड़ा खाएंगे पियेंगे और जाएंगे। और मैंने कल का जो पहना हुआ था वो वॉश कर लिया है, तो जाते ही मैं सुखा दूंगा पहले उससे। अभी मैं पहले वॉश किए गए कपड़े को सुखा के जाऊंगा कुछ नाश्ते पानी करने के लिए। तो आज हम नाश्ते में खाएंगे दही बल्ले, और मेरे आलोक दोस्त ने इस दही बल्ले वाले को 25 का प्लेट में डील किया था, हालांकि प्लेट 30 रुपये का था। तो एक मज़ेदार बात है जो मैं आपको कल मेरे पिछले वीडियो में कहना भूल गया था। मेरे को श्रीमंता भाई ने कहा था कि आप मास्टर कैंटीन के सामने जो रोड है वहाँ आ जाना। तो मैं आया मास्टर कैंटीन तक, मैं ढूंढ रहा था कि मास्टर कैंटीन कहाँ है। वो कोई कैंटीन होगा बोल के मैं ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि मास्टर कैंटीन बोल के कोई कैंटीन है ही नहीं इस इलाके पे। ये तो एक प्लेस का नाम है। तो मैं खामखा ही ढूंढ रहा था मास्टर कैंटीन को। तो आज रैली का सेकेंड डे है, तो मुझे बोर लग रहा था तो मैं इधर चला आया थोड़ा घूमने। ये देखिए, आई लव भुवनेश्वर वाला साइन है। उदर। क्या? मुझे थोड़ा सा भूख और लग रहा था तो मैंने 10 रुपये का खरीद लिया टोस, और टोस में 4 पीस ही आया था टोस। टेस्ट तो बहुत अच्छा है, चाय होता तो बहुत मजा आता। तो अभी है मेरा चार्ज 10%, और मैं फिर जा रहा हूँ रेलवे स्टेशन चार्ज बिठाने अपने मोबाइल को। इस बार प्लेटफॉर्म का टिकट लेके ही घुसना पड़ेगा। तो मेरे एक दोस्त गए हैं, 3 टिकट लाने गए हैं, एक टिकट का प्राइस 10 रुपये है। तो हेलो गाइस, चार्ज हो गया है पूरा कंप्लीट, 100% हो गया है पूरा, और हम निकल रहे हैं अभी यहाँ से। और पिछली बार जो मैं आया था बिना प्लेटफॉर्म टिकट के ही आया गया था यहाँ पर, तो मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर पकड़ने से प्लेटफॉर्म में 500 रुपये का फाइन लगता है। तो नेक्स्ट टाइम मेरे दोस्त ने बताया मुझे कि प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपये का मिलता है, तो वो लेके जाना पड़ता है। तो दूसरी बार मैं लेके चला है। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि एक्सकेलेटर पे किस तरह से राइड करते हैं। अगर आप लोग पहली बार राइड कर रहे हैं तो किसी के साथ राइड कीजिए, ताकि वो आपको झटके खा के गिरने से बचा सके। नहीं तो फॉलो कीजिए मेरे को, अच्छा दबा के लाइक फॉलो कर दीजिए, मैं आपको बिल्कुल सिखा दूंगा। दबा के लाइक से ठोक दीजिए। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। नहीं। ये जो 2 लाइन दिख रहा है येलो वाला, इसके पूरे बीच में ही आपको खड़ा होना है। अगर आप लाइन पे पैर रख देते हैं तो ऊपर या नीचे जाने के बाद आप ऊपर या नीचे जहां भी जाएंगे गिरने की चांस बहुत हाई है, बिकॉज वो लाइन आगे जाके स्टेप में बदल जाता है। अगर आप लाइन में पैर दिए हैं तो इस बात का सिर्फ ध्यान रखना। ठीक है, समरिया। फिर मैं लंच करके आ गया रैली पे। फिर से रैली 2 से 5 बजे तक कंटिन्यू होगा। तो अभी शाम के 5 बज गए हैं, तो रैली खत्म हो चुका है, और देखो स्ट्रीट लाइट भी अभी अभी जला है। तो रैली खत्म होने के बाद मुझे थोड़ा बोरिंग फीलिंग हो रहा है, तो मैं जा रहा हूँ कहीं तो घूमने जाऊँगा, देखते हैं किधर जाएंगे मैं। तो अभी फ़िलहाल मैं पहुंच गया हूं मास्टर कैंटीन के बस स्टॉप पे। यहां से बस लूंगा और पहले शौचालय जाऊंगा, फिर उसके बाद जहां जाऊंगा। अभी थोड़ा टाइम पास करने के लिए मैं जाऊंगा रिलायंस ट्रेंड्स मॉल।
जब लिफ्ट हो तो सीढ़ी की क्या जरूरत। पहले एंटर करते ही मैंने मन बना लिया था कि चाहे जो भी हो जाए मुझे कुछ खरीदना ही नहीं है। साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले का। चादर के तेरा घर जाएगा इसमें, तेरा घर इसमें चले जाएगा पूरा। शादी का सूट मेरे को क्या, मुझे तो अब शादी नहीं करनी। और ये आ गया नेताजी वाले ड्रेस। कहाँ जा रही हैं आप? अरे लेडीज का शौक है, औरत बनने का शौक है, औरत बनने का शौक। लगता है अली बाबा का वर्ड्स बोलना पड़ेगा। खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। साले तू बाहर चला जा, औकात से बाहर है। तो मेरे औकात के बाहर का स्टोर है, तो मैं कुछ खरीद नहीं पाया, तो मैं चलता हूँ यार। पहली फुर्सत में निकल। फिर मैं सोच रहा था कहीं जाऊं या ना जाऊं। और मुझे इवनिंग को चलना बहुत पसंद है, तो मैं ट्रेन से मास्टर कैंटीन तक का सफर चलते चलते ही तय करने का फैसला किया। और मुझे रास्ते पे देखा ये फूलों की दुकान, ऊपर गोरी का मकान तो है ही नहीं, इधर है। ये साला अंबानी भी कब से बिजनेस में घुस गया है, सोने के बिजनेस में। मैं सीधा बस पे नहीं आया अभी, तो मैं चल चल के आया, तो अभी टाइम हो गया 18:50, मतलब 6:50। तो मुझे लग गया लगभग 33 मिनट लग गए। और शाम को मुझे थोड़ा चलना बहुत पसंद है, तो मैं डिसाइड किया कि चल चल के मैं ही आऊँगा। मुझको चलने के बाद बहुत ज़ोर से भूख लग रहा था, तो मैं पहुंचा एक चौमिन सेंटर पे, जहां से मैंने एक डबल एग चिकन रोल का ऑर्डर किया। प्राइस था 60 रुपीस। लेकिन हमारे यहां वो डबल रोल भी 40 में मिल जाता है, यहां 60 रुपया ले। अच्छा बड़ा सिटी है, इसलिए दाम थोड़ा 30 रुपया ज़्यादा है। मैं आपको बता रहा हूँ ये भुवनेश्वर जैसे सिटी में कैसे आप चल फिर सकते हैं, तो ध्यान से सुनिए मेरी बात को। अच्छा हमको सिखा रहा है। जब भी आपको रेड लाइट दिखे ना, तो रुक जाना भाई, आगे खतरा है, इसीलिए तो रेड लाइट आपको दिखाया है ना। साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले का। और जब ग्रीन लाइट दिखे तो तभी चलने का स्टार्ट करना है, ठीक है? ठीक है। जब भी आप किसी काम से भुवनेश्वर आए, कि ट्राई करना कि एमओ बस से ट्रैवल करो, ताकि आपके थोड़े बहुत पैसे बच सके। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मुझे एमओ बस की सर्विस बहुत अच्छी लगी, तो मैं आप सबको रेकमेंड करूँगा। आप जब भी सिटी में एंटर करें, ऑटो वाला को इग्नोर करें और एमओ बस की तलाश करें, ताकि आप सबके पैसे में बचत हो। तो ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दीजिए, ताकि मेरे को वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिले। तो मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, तो तब तक के लिए बाय बाय।